शायद इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? जी देखिए, हमें इनके कुछ टेस्ट वगैरह करवाने होंगे और मैं कुछ दवाई लिख दे रहा हूँ, वो आप इन्हें देते रहिए। फिलहाल तो हमें इन्हें यहीं पर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, अगर तब भी इनकी हालत में सुधार नहीं आया तो इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। मुझे क्या करना होगा आप सबका विश्वास जीतने के लिए? कौन सी अग्नि परीक्षा देनी होगी? मुझे कितनी परीक्षाएं देनी होंगी? मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मैं आप सबका विश्वास वापस से जीत सकूं? बस करो मोना, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। हाथ ही जलेगा ना पापा, पर इस जगन की इतनी तकलीफ नहीं है जितनी तकलीफ मुझे आप सबकी नाराजगी से। आप सब बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं फिर से आपका विश्वास जीत सकूं? प्लीज बताइए, प्लीज बोलिए। बस मोना, अपनी ये फिल्मी हरकतें बंद करो। भप्पे की बहू रानी का नया नाटक स्टार्ट। बाबा जी, पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है अनुकल अब ज्यादा दिन मुझसे नाराज नहीं रहेगा पाएगा। मुझे अपना प्यार वापस मिल जाएगा। काश ऐसा हो बाबा जी। लोगों से पहले भी कहा था और मैं फिर से कह रहा, इन्हें किसी भी तरह के मानसिक तनाव से दूर रखिएगा। एक तो इस बुड्ढे ने एम वक्त पर बीमार पड़ के पैम की शादी का सारा मामला ही खटाई में डाल दिया है। ऊपर से ये सारा घर अब मोना के पीछे भागने लग पड़ा है। हाय टिम्पी डार्लिंग, कुछ सोच ले, अगर उस मोना के बच्चे की एंट्री दोबारा हो गई ना इस घर में तो फिर तेरा क्या होगा, क्या करेगी तू? अंबा जी, वो मैं सब्जियां लेने जा रही हूँ बाहर, आपको कोई सब्जी चाहिए क्या? अपने ताया जी से बात भी नहीं करेगी पुत्र? जाके दादी से कह दो कि मोना ने अपना व्रत उनकी लाइफ पिन्नियों से ही तोड़ा है। बाय को तेरे दादी बहुत बीमार है पुत्र, उनसे तेरा दुख देखा नहीं गया, दिल का दौरा पड़ा है उन्हें। मुझे अभी लेके चलो मुझे। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तेरे लिए मेरे दादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं। आप बस चलो।